क्षितिजा फ्रॉम MNS न्यूज लाइव। मंदिर में अचानक जलने लगी महिला, रोंगटे खड़े कर देगी ये घटना। कर्नाटक के हुबली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते समय एक महिला की साड़ी ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो जल गई। महिला की पहचान हुबली की रहने वाली छाया के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय स्कीम अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वीडियो में महिला विश्वनाथ मंदिर में पूजा करती नजर आई है। जैसे ही वो पूजा खत्म करके लौट लगती है तो उनकी साड़ी आग पकड़ लेती है। देखते ही देखते चंद सेकंड में महिला आग की लपटों में घिर जाती है और खुद को बचाने वो मंदिर के अंदर घुसती है। इस बीच मंदिर परिसर में मौजूद लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं और आग बुझाते हैं। बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उनका इलाज चल रहा है। आरोप पुलिस पर, दो की मौत, पांच घायल। भाटपाड़ा फाड़ी इलाके में एक नए थाने के उद्घाटन से पहले अपराधियों ने बम विस्फोट के बाद फिर काकीनाड़ा को रण क्षेत्र में बदल दिया। घटना को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस व अपराधियों के बीच जमकर बमबाजी व गोलीबारी हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। इस वारदात में अब तक 5 लोगों को घायल होने की खबर है। सभी घायलों को भाटपाड़ा व BN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की गोली लगने के 7 नंबर गली में 2 युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान राम बाबू साव व धर्मवीर साव के रूप में किया गया है। घटना के बाद इलाके की दुकान बंद हो गए। पूरे इलाके में पुलिस की तैनात बढ़ा दी गई है। इस शख्स ने की थी मेट्रो स्टेशन पर युवती के सामने गंदी हरकत, आया पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर पिछले दिनों फैशन डिजाइनर युवती से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुरुग्राम में एक निजी कार्यालय में ऑफिस बॉय है। महिला ने अपने ट्विटर अकाउंट से काफी ट्वीट किए थे जिनमें पुलिस के प्रति काफी दोष नजर आ रहे थे। पीड़ित युवती गुरुग्राम में ही रहती है और किसी कंपनी में ब्रांड मैनेजर के पद पर कार्यरत है। ट्विटर के जरिए बताया जा रहा है कि 14 जून को रात करीब 9:25 में वह मेट्रो से उतरकर निकास द्वार की तरफ जा रही थी। तभी एक्सलेटर पर एक आदमी पीछा करते हुए उसे घूर रहा था, तभी उसने गंदी हरकत भी कर दी। इस पर युवती ने उसे तमाचा जड़ दिया, जिस पर व्यक्ति ने उसके साथ गाली गलौज की। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।